आपने स्क्रीन पर अभी जो वीडियो देखा उसमें घोड़ी पर एक दूल्हा बैठा हुआ है। बारात में शामिल लोग झूम ही रहे थे कि इतने में एक आदमी दौड़ते हुए आया और दूल्हे को तमाचा जड़ दिया। वो आदमी दूल्हे को और मारने की कोशिश करता है लेकिन बाराती उसे रोक लेते हैं। इसके बाद उस आदमी के तीन साथी और आ जाते हैं। ये वाला हिस्सा वीडियो में नहीं है। चारों मिलकर दूल्हे को पीटने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, दूल्हे को घोड़ी से उतारने की हर कोशिश की जाती है, लेकिन माजरा क्या है, इतना सब कुछ क्यों हुआ? दरअसल इस हमले की असली वजह हम सभी को शर्मिंदा कर देने वाली है। हमलावर दूल्हे को इसलिए पीट रहे थे क्योंकि वह दलित समाज से आता है, वह घोड़ी पर बैठा हुआ है। हमलावरों में न जाने कौन सी ठसक भरी है कि कोई दलित दूल्हा घोड़ी पर नहीं बैठ सकता। न जाने कितनी ही बार ऐसी तस्वीरें आई हैं जब दूल्हे को घोड़ी पर से उतार दिया गया, न जाने कितनी ही बार भौंडा प्रदर्शन किया गया है। हमने भी आपको न जाने कितनी ही दफा ये खबरें सुनाई हैं, लेकिन हर बार खबरें नश्तर सी चुभी हैं क्योंकि ऐसी ही खबरों से पूरा देश, समाज बार बार शर्मसार होता है। फिर हुआ है। अब आपको पूरा मामला तफसील से सुनाते हैं। मामला है गांधीनगर, गुजरात का। गांधीनगर जिले के मारसा क्षेत्र में एक गांव है जिसका नाम है चाड़सना। कलोल गांव से चावड़ा परिवार बारात लेकर निकला। यह बारात चाड़सना गांव जानी थी। इस गांव में सदियों से यह कुरीति चली आ रही है कि दलित समाज से आने वाला दूल्हा अपनी बारात में घोड़ी नहीं चढ़ सकता, वो अपनी बारात पैदल ही ले जाएगा। इन खोखली शर्तों को विकास ने तोड़ने की कोशिश की थी। 12 फरवरी को वह बारात लेकर निकले। कुछ उपद्रवी दौड़ते हुए आए, मारपीट की। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शुरुआत में एक आदमी ने हाथ उठाया, बाद में तीन और आ गए। गाजे बाजे और डीजे वालों को भी वहां से भगा दिया गया। शुरुआती बवाल के वक्त पुलिस नहीं बुलाई गई थी, लेकिन मामला ज्यादा बिगड़ा तो पुलिस को कॉल किया गया। जानकारी तो इस बात की भी मिली है कि हमलावरों ने दूल्हे से पूछा कि क्या तुम्हें गांव का रिवाज नहीं मालूम, दूल्हे को नाचते हुए बारात ले जानी हो तो इजाजत लेनी होगी। यह हमलावरों की ओर से दी गई धमकी थी। दूल्हे ने गाड़ी में बैठकर जाने की कोशिश की, उसे गाड़ी में बैठने से भी रोक दिया गया। दूल्हा यानी विकास वहां से पुलिस के बीच पैदल ही अपने ससुराल तक पहुंचे, जहां पुलिस की निगरानी में उनकी शादी हुई। शादी हो जाने के बाद चावड़ा परिवार ने इस हिंसा और अपमान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस में दर्ज FIR से हमने आपको यह सारी जानकारी दी है। केस में अपडेट ये है कि चारों लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और कार्रवाई शुरू हो गई है। इन चारों आरोपियों के नाम हैं शैलेश जी ठाकुर, जयेश कुमार ठाकुर, समीर कुमार ठाकुर और अश्विनी कुमार ठाकुर। बाकी इस मामले में जो भी अपडेट आएंगे वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी शेख नावेद ने। मैं हूँ हिमांशु। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए दिल अल्लाह।